अच्छा है। अभी जो बातचीत हुई ये था कि जो अफगानिस्तान से जो सिख जो भारत आई थी उनकी जैसे जब लोग शरण के लिए जो आते हैं या अपने ही देश वापस आ जाते हैं उनको अपनी समस्या होती है। तो मैं आया था क्योंकि मैं उनसे सुनना चाहता था कि अब आ तो गए हैं पर आगे का उनकी जो अपनी जो यहाँ चिंताएं जो है अफगानिस्तान में है उसके बारे में मैं सुनने आया। धन्यवाद। क्यों आप जो जो मामले उन्होंने उठाए, एक तो यहाँ कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ और ये स्वाभाविक है, प्रॉपर्टी है तो, और वहाँ गुरुद्वारे भी हैं उसकी भी लोग चिंता कर रहे हैं, तो ये आना जाना जो है उनके लिए हम इसकी कैसे व्यवस्था बनाए। उसमें आजकल वीजा की दिक्कत है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अपने कारण भाई थोड़ा कि हम लोगों ने अपने ही हमारे कुछ कारण हैं, हम वीजा जो अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं उनमें वीजा की एक किस्म से एक इतनी आसानी से लोगों को वीजा नहीं मिलता। तो मैंने उनकी बातें मैंने सुनी, मैंने मुझे लगा कि इनका तो अच्छा केस बनता है कि वहां जाएं वापस आएं, कम से कम थोड़ा मल्टीपल या डबल ट्रिपल एंट्री वीजा मिलना चाहिए, एक ये विषय। दूसरा विषय है कि कुछ लोग जो हैं अभी अपने नागरिकता के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, तो नागरिकता को कैसे आगे करें। कुछ लोग जो और अलग लोग हैं जिन्होंने खासकर अपने बच्चों के लिए उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली और उसमें बाद में उनको कुछ दिक्कतें आई, तो ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने माने कुछ किया उसके कारण माने हेल्प करने के बजाय हमारी सिस्टम जो है कहीं उन पे ज्यादा बोझ डाले। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, पर देखिए जो आम इंसान होता है उसके लिए छोटी चीज बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो तो कहीं अगर हम पासपोर्ट पे कुछ हेल्प दे सकें, वीजा पे कुछ हेल्प दे सकें, कुछ इनकी स्कूल की प्रॉब्लम, तो मैंने कहा कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हमें ये डिटेल्स मिल जाए, क्योंकि हम देश के बाहर जो है हम दूसरे देशों की मदद करते हैं, कम से कम ये लोग जो हैं क्योंकि इनकी समस्या बहुत एक किस्म बड़ी यूनिक समस्या जिस स्थिति में है, ये हमारा फर्ज बनता है कि इनका जो स्कूलिंग हो या सिटीजनशिप हो या वीजा हो या और भी कुछ इनकी प्रॉब्लम हो, तो मेरा वैसे विश्वास है कि कम्युनिटी ये ऑर्गेनाइजेशन से हमें पूरी डिटेल मिलेंगी और इसको हम बाद में आगे ले जाएंगे। सर, नागरिकता देने के मामले पर भी कुछ बात चली, कानून का विरोध करके रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? सॉरी, सीए की नागरिकता के ऊपर नागरिकता ये लोग पासपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं सर, पासपोर्ट को लेकर ये लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। भाई देखिए, अच्छा है, यही तो हमें देखना होगा कि जो लोग भारत आए हैं और जो पासपोर्ट लेना चाहते, क्योंकि हर आदमी पासपोर्ट नहीं लेना चाहते, कुछ लोग जो हैं अपना पासपोर्ट रखना चाहते, कुछ लोगों ने कहीं और भी अप्लाई किया, वो हर परिवार या हर इंसान पे डिपेंड करता है, सब अपना अपना चॉइस लेंगे। तो हमें देखना होगा कि कानून के तहत अगर हम जिन जिनको पासपोर्ट बनने का हक मिलता है और आप जानते हैं किन किन को मिलता है, हमें देखना होगा कि हम उसको कैसे आगे ले। धन्यवाद सर। नहीं, देखिए जो विरोध करते हैं उनको आके देखना चाहिए विरोध करना देखना चाहिए, धन्यवाद कैसे कर रहे हैं सर, आप उनको ये देखना चाहिए विरोध कैसे, धन्यवाद कैसे कर रहे हैं। जो मोदी जी का सर, मैं एक मिनट बात करना चाहता हूँ, हमने आज इनको देखिए धन्यवाद करने के लिए मोदी जी ने जो किया है, मोदी जी ने जो किया है आज परिवार ने दो अल्फाजों में बात की है, हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे, हमारी जाने बचा के और हमारे साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप जो मोदी जी यहाँ पर लाए हैं, हम जय कृष्ण जी के उनके शुक्रगुजार हैं और ये सुनने के लिए उनका दुख आए हैं, इन्होंने बातचीत सुनी। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने बहुत विस्तार से विवरण किया कि वहाँ काबुल में क्या हुआ और जो कह रहे थे बिल्कुल सच था, मुझे ये ठीक नहीं था कि मुझे कहना है, माने अगर कोई कह रहा है तो कोई ऑब्जेक्टिव माने आदमी को कहना चाहिए, पर आप ये भी सोचिए जिस कानून के बारे में आप कह रहे हैं उस कानून के कारण किन लोगों को विश्वास था कि हम आएंगे और हमें हमारा कर्तव्य था कि हम जाएंगे,
तो आप देखिए अगर वो कानून नहीं होता इन लोगों का क्या होता, ये भी आप सोचिए। तो देखिए ये कोई मुझे ये कभी कभी हम हर चीज को राजनीति बना देते, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। इनको उस हालत में कौन छोड़ सकता था, तो ये भी आप सोचिए। तो आज जो है वही विश्वास से जो आए हैं, हमें वो विश्वास चुकाना चाहिए। और जो इनकी जो मांगे हैं या जो इनकी चिंताएं जो हैं, इसे हमें किसी तरीके से जितना हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। देखिए इन्होंने बहुत विस्तार से विवरण किया कि वहाँ काबुल में क्या हुआ, और जो कह रहे थे बिल्कुल सच था। मुझे ये ठीक नहीं था कि मुझे कहना है, माने अगर कोई कह रहा है तो कोई ऑब्जेक्टिव माने आदमी को कहना चाहिए। पर आप ये भी सोचिए जिस कानून के बारे में आप कह रहे हैं, उस कानून के कारण इन लोगों को विश्वास था कि हम आएंगे, और हमें हमारा कर्तव्य था कि हम जाएंगे। तो आप देखिए अगर वो कानून नहीं होता इन लोगों का क्या होता, ये भी आप सोचिए। तो देखिए ये कोई मुझे ये कभी कभी हम हर चीज को राजनीति बना देते, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। इनको उस हालत में कौन छोड़ सकता था, तो ये भी आप सोचिए। तो आज जो है वही विश्वास से जो आए हैं, हमें वो विश्वास चुकाना चाहिए। और जो इनकी जो मांगे हैं या जो इनकी चिंताएं जो हैं, इसे हमें किसी तरीके से जितना हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। ओके, the phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they are giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. The Act East. What has happened with the East, and again, you know, my colleague Dr. Ranjan would bear me out. He is himself from Manipur. I mean, where Act East is concerned, in the last 9 years, there's been an upgrade in the sense there have been deeper investments, more projects. We do much more on security. Earlier on, the focus was, you know, let's do mainly economics. I think connectivity, security, deeper people-to-people collaboration, stronger political collaboration, I think these have been the new facets really which have been added in the last 9 years. I think what is happening in Manipur is largely an issue of Manipur, and I think in that part of the world people do understand that. So I would not really mix apples and oranges here. I think the Act East policy, the progress of the Act East policy, which has been quite considerable in the 9 years, I think will continue, and hopefully the situation in Manipur will also ameliorate.